दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29। ये तो उसने मांगा है ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो जो चीजें बेटा तुमको समझा दी हैं उनमें थोड़ा फास्ट होते जाएंगे, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एट द एंड, इसकी डेट लिखो, बैलेंस शीट की डेट लिखो, एंड की डेट कौन सी है? 31 मार्च 2006। और प्रॉफिट एंड लॉस है 5-6 का, ट्रेडिंग अकाउंट है 5-6 का। मुझे बैलेंस शीट एक ओपनिंग की भी चाहिए, ओपनिंग की बैलेंस शीट की डेट कौन सी है? 31 मार्च 2005। ये है हमारे पास 31 मार्च 2005। एक बच्चे ने कहा है क्या हम कैश और बैंक को कंबाइन नहीं कर सकते मॉडल टाउन? अगर डाटा अलग अलग देगा ना क्वेश्चन, तो आपको अलग अलग करना चाहिए। अब तुम बोलोगे सर क्यों अलग अलग करना चाहिए, भाई डाटा अलग अलग दिया है, पर सर इकट्ठा करने में क्या दिक्कत है? मिसिंग फिगर के इश्यू आता है मॉडल टाउन। दो अलग अलग खाते बनाने से दो मिसिंग फिगर निकलेंगी, एक खाता कंबाइन करने से एक फिगर मिसिंग निकलेगी। तो क्वेश्चन में उसने डाटा अगर इस तरह से दिया है कि वो अलग अलग है, तो दो ही बनाने चाहिए। समझ में आ गई मॉडल टाउन? कि वो पागल थोड़े ना है, वो दो खातों को अलग अलग दे रहा है, वो दो मिसिंग फिगर होंगे, ओके मॉडल टाउन। तो मैं शुरू कर दूं सवाल। अच्छा ब्यावर कह रहा फोटो खींचने की, क्वेश्चन की दिखाओ जी फोटो खींच लो भाई इसकी, जो जिसने फोटो खींचनी है। कोल्हापुर, कोल्हापुर अगर क्वेश्चन में आपको दो का डाटा, दो अकाउंट्स का डाटा दिए ना, अलग अलग बनाने चाहिए ताकि आपके पास दोनों का मिसिंग फिगर अलग अलग निकले। कंबाइन कर दोगे तो दोनों का मिसिंग फिगर एक हो जाएगा, समझ में आई? तो गलत हो जाएगा वो, इसलिए हमको ऐसा करना चाहिए। फोटो खींच गई हो तो बताइए। चलिए मेरे ख्याल से अब फोटो खिंच गई जिन्होंने खींचनी थी। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड बढ़ाने के लिए थोड़ा फास्ट काम करने के लिए इन सब की एक एक एंट्री तुम्हें क्विकली डालकर दिखा सकता हूं। ये देखो मैं फटाफट से एक एक पोस्टिंग तो कर दी, देखना इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1000, फिक्स्ड एसेट्स, तो इससे आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट आएगी, ठीक है ना? अल्टीमेटली मुझे एग्जाम के लिए तो स्पीड को भी ध्यान में रखना है ना। स्टॉक 16000, कैश इन हैंड वी डोंट नो हाउ मच, कैश एट बैंक वी डोंट नो हाउ मच, बट टोटल वी नो इज 14000। डेटर्स वी डोंट नो हाउ मच। तो देखो मैंने सब चीजें लिख दी, 1 2 3 4 5 6 चीजें थी, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये बताओ क्या मैंने इनको फटाफट से लिख दिया? अब मैं दूसरा स्टेप करता हूं, इन सब की दूसरी पोस्टिंग कर देता हूं, तो क्या इससे स्पीड बढ़ गई आपकी? जैसे स्टॉक यहां पर आ जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स का अलग खाता खुलेगा, टू बैलेंस बीडी, तो मैंने इसकी पोस्टिंग कर दी, इसकी पोस्टिंग कर दी। कैश का डेटा अलग बनाना है, मेरे पास वो डेटा नहीं है, छोड़ दो। बैंक अकाउंट अलग बनाना है, इसकी पोस्टिंग छोड़ दो, ये आपको पता नहीं है। डेटर अकाउंट अलग बनाना है, इसकी पोस्टिंग छोड़ दो, इसका डेटा नहीं है। क्रेडिटर अकाउंट का बैलेंस बीडी, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम एक्सपेंसेस अकाउंट के रूप में, यानी इसी में ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को दिखा देते हैं, बैलेंस बीडी 1000। मुझे फटाफट से बताइए
क्या स्पीड बढ़ी कि नहीं बढ़ी आपकी? पहले मैं एक एक करके दोनों को लिख रहा था, अब मैंने सारे के सारे पहले एक में खाते में लिख दिए, दूसरी दूसरी बार पोस्टिंग कर दी। मुझे फटाफट से बताइए, आप मेरे बराबर पहुंच जाएंगे तो मुझे बताएंगे। तो मेरे पास जो जो जानकारी थी मैंने लिख दी है, मेरे को फटाफट से यहां तक पहुंच जाएंगे तो बताएंगे। चित्तौड़गढ़, प्रीत विहार, जलगांव, बीकानेर, सूरत, कोहलापुर। चलिए दादर, मुझे ये बताओ, आपने इन सबको तो लिख दिया, इन सबको तो लिख दिया, अब आप इन सबको लिखो, अब आप इन सबको लिखो एक साथ। औरंगाबाद कह रहा रुक जाओ सर दो मिनट और, तो औरंगाबाद रुक गया मैं। फटाफट से मुझे बताएं, जो लोग आगे पहुंच गए हैं आगे चलना शुरू करें। चलिए मेरे साथ साथ, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड क्रेडिट क्यों होती है? जोधपुर ओपनिंग बैलेंस शीट में ना हम लोग अपने पास पिछले जो बैलेंसेस होते हैं उनको ब्रॉट फॉरवर्ड मान रहे होते हैं, इसलिए उनके अंदर हम उनकी शक्ल तो वही रखते हैं, एसेट को एसेट साइड, हम उनको उल्टा करके रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको पता ना सीडी बीडी जब आएगा तो उल्टे हाथ पर आता है, तो हम बैलेंस शीट में स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं करते कि सीडी का बीडी कर दो, हम उनको ऊपर डेबिट क्रेडिट उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जोधपुर गुवाहाटी कह रहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट क्यों बनाया है? क्योंकि उसने आपको डाटा दिया है, दिया है तो बनाना पड़ेगा, नहीं होता तो मैं एक्सपेंस अकाउंट बनाता ही नहीं। ओके गुवाहाटी, आइए मेरे साथ साथ सन्ड्री क्रेडिटर, अभी नहीं बैलेंस शीट में लिखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500, फिक्स्ड एसेट्स 22,000, स्टॉक 22,500, कैश इन हैंड्स, ये आपको उसने अलग से वैसे बताया हुआ है, और कैश एट बैंक भी है, आई डोंट नो कितना कितना था, ये था हमारे पास 16,000, ये आप अगर अपने पास देख लो तो कैश इन हैंड 2,500 का है, तो ये 13,500 का रहा होगा, और डेटर्स 36,000। मैंने एक ही बार सबको लिख दिया है, अभी इसकी दूसरी पोस्टिंग बाकी है, दूसरी पोस्टिंग बाकी है, दूसरी पोस्टिंग बाकी है, दूसरी पोस्टिंग बाकी है, दूसरी पोस्टिंग बाकी है। आइए मेरे साथ साथ फिक्स्ड एसेट्स की दूसरी पोस्टिंग, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में लिखो बाय बैलेंस सीडी। स्टॉक को लिखो यहां पर 22,500, कैश इन एंड लिखो 2,500, बैंक बैलेंस लिखो 13,500, डेटर लिखो 36,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखो 500, क्रेडिटर्स का बैलेंस लिखो 25,000। आप जब यहां तक पहुंच जाएं तो मुझे बताइएगा, मैं आराम से बैठा हूं। मैंने अपने पास उन सबकी सेकंड पोस्टिंग कर दी है, आप बीकानेर ने भी कर दी, वेरी गुड, बीकानेर, बीकानेर कोटा ने भी कर दी, राजस्थान के बच्चे तो धड़ाधड़ आंसर निकाल रहे हैं। सूरत ने भी कर ली, दादर ने भी कर ली, क्या बात है, वेरी गुड। काशीपुर, काशीपुर है उत्तराखंड में। जोधपुर
अहमदनगर, प्रीत विहार कह रहे मैंने नहीं करी, प्रीत विहार हम इंतजार कर रहे हैं, आराम से करो, कोई जल्दी थोड़ी ना है। बस आज हम यहीं तक यही सवाल करके छोड़ देंगे आपको, चिंता ना करें। कालका जी, कोल्हापुर, चूरू, भुवनेश्वर, औरंगाबाद, भागलपुर, चलिए यहां तक तो हमने काम कर दिया, अब मेरे साथ साथ चलिए देहरादून पढ़िए। डेटर से पैसा लिया तो दो बार जाएगा, मेरे को नहीं समझ में आई तो कहां जाएगा, जनरलाइज करो। डेटर से पैसा लेने की एंट्री क्या होती है? डेटर से पैसा लेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। हां सोलन कह रहे हैं सर मैं होमवर्क घर पे कैसे चेक करूंगा, आपके एलएमएस में इसके सॉल्यूशंस होंगे। ओके तो मैंने आपसे कहा मुझे फटाफट से बताइए कि मेरे पास यहां पर क्रेडिटर का बैलेंस, सॉरी टोटल रिसीट्स कितने की है। टोटल रिसीट्स है 1,30,000। अब साहब सवाल ये उठता है कि इन टोटल रिसीट्स के अंदर ये पैसा जो आया होगा ये कैसे आया होगा, कैश में या बैंक में, क्योंकि आपका तो अलग अलग खाता है। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है ये पैसा कैश में आया होगा या बैंक में आया होगा। बीकानेर ने कहा बैंक में आया होगा, प्रीत विहार ने कहा बैंक में आया होगा, ब्यावर वेरी गुड, ब्यावर का आंसर बिल्कुल ठीक आया है, अभी तक सिर्फ ब्यावर का आंसर ठीक है। ध्यान से देखो इंस्टीट्यूट ने नीचे लिखा हुआ है डेटर से चेक में 125 आया है। क्या आपका इंस्टीट्यूट आपको कंफ्यूज करने के लिए आधी बात ऊपर और आधी बात नीचे लिखता है? ओ माय गॉड सर ये तो बदमाशी है सर, जबरदस्ती फंसाने का तैयारी कर रहे हैं हमको। हां कह रहा टोटल रिसीट ये था, चेक रिसीव बाद में बता रहा है। ओहो तो प्रीत प्यार फोटो खींचो ना, तुमको अगर फोटो खींचनी है तो बताओ, फोटो खींच लो, फोटो अभी खींचो भाई, फोटो अभी खींचो, उल्टा डांगा। अब मुझे ये बताओ क्या आप अब एंट्री पोस्ट कर सकते हैं कि इतना पैसा बैंक में और इतना बाकी का पैसा कैश में, तो एंट्री डालिए और मुझे बताइए। डेटर से पैसा लेंगे, डेटर ये रहे, बाय बैंक और बाय कैश। तो मैं अपने पास यहां लिखूंगा टू डेटर्स और बैंक में लिखूंगा टू डेटर। मुझे फटाफट से बताइए आप मेरे साथ साथ हैं या नहीं है। चलेंगे हम साथ साथ, चलेंगे साथ मिलकर, करेंगे क्वेश्चन मिलकर, जवाब देना पड़ेगा मेरे बच्चे बनकर। ओ क्या गाना बनाया है गाने वाले ने। फटाफट से बताइए आप यहां पहुंच गए कि नहीं पहुंचे। बीकानेर सूरत अभी अभी तो आपने आज वाहवा कर दिए, बाद में आप कहोगे सर कानों में खून आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं। रिटर्न इनवर्ड माने सेल्स रिटर्न। अच्छा सेल्स रिटर्न, अब ये बताओ ये सेल्स रिटर्न जो है ये सेल्स रिटर्न बैंक की सेल्स रिटर्न होगी या क्रेडिट की सेल्स रिटर्न होगी? भाई देख लो कहीं और कुछ लिखा हुआ हो, लेकिन उसने तो और कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, उसने तो आपको कहीं नहीं लिखा सेल्स रिटर्न के बारे में, तो कहीं भी नहीं लिखा कि सेल्स रिटर्न का कुछ और मुद्दा हो, तो लिखा नहीं है। क्या माने नाउ गिव योर बेस्ट अजम्पशन, नगद वाले वापस माल करते हैं कि उधार वाले करते हैं? आई वॉन्ट टू नो योर बिजनेस सेंस, नगद वाले माल वापस करते हैं कि उधार वाले करते हैं? अहमदनगर कह रहा है उधार वाले, वेरी गुड, औरंगाबाद उधार वाले। अरे भाई नगद वालों से तो माल वाल लेते ही नहीं वापस, नगद वालों को क्या बोलते हैं आप? दुकान पे जाते तो वहां बोर्ड पे क्या लिखा होता है, नगद वाले डिस्को, उधार वाले खिसको। माल वापसी करने जाते हो तो पता क्या लिखा होता है?
वो लिखा होता है उधार वाले डिस्को, नगद वाले किसको, कह रहा कोई मतलब थोड़े ना है, हम वापस कैसे करें आपको, पैसे आ चुके खत्म। यानी दिस इज द जनरल बिजनेस सेंस, आई बिलीव कि तुम समझ पा रहे हो कि हम बेस्ट अजम्पशंस कैसे लेते हैं। तो सेल्स रिटर्न ये जो होगी 3000 पे की, वो मैं कहां कहां लिखूंगा, यहां लिखूंगा डेटर्स के अंदर बाय सेल्स रिटर्न, उधार की सेल्स रिटर्न है। कितने रुपए है सेल्स रिटर्न? 3000। आपको पता है दूसरी बार सेल्स रिटर्न हमारी सेल में घटाई जाती है, तो इसका मतलब जहां पर मैं लिखूंगा ना सेल, उसमें से माइनस करूंगा रिटर्न 3000, तब नेट सेल्स बाहर आएगी। आपको हर बार जवाब देना होगा, हर बार जवाब देना होगा, मुझे फटाफट से बताओ, हर बार जवाब देना होगा। मुझे बताएं मैं तभी चलूंगा मेरे बच्चे, आप मुझे बताएं मैं तभी चलूंगा। चित्तौड़गढ़ डन, कोटा डन, अगली आइटम पर आओ। बैड डेट्स, कहां जाएंगे बैड डेट? डेटर अकाउंट में जाएंगे और पीएनएल में जाएंगे, तो लिखो डेटर में बैड डेट्स। और पीएनएल में लॉस में डालो इसको बैड डेट्स। सर ये एक्सपेंस अकाउंट में नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, बैड डेट भी एक्सपेंस होता है, पर ये एक्सपेंस पे नहीं होता ना, इसलिए डायरेक्ट जाएगा ये बैड डेट्स 1000। जम्मू, बीकानेर, प्रीत विहार, मुझे बताते जाएंगे साहब, मैं तभी चलूंगा आगे। मेरी अगली आइटम आ रही है टोटल सेल्स 150, तो टोटल सेल्स आ गई 150। अब प्रॉब्लम ये है कि इस टोटल सेल को कहां भेजें हम लोग, कैश सेल कितनी और क्रेडिट सेल कितनी, तो मैंने चेक करना शुरू किया, लेकिन मेरे को कहीं पर भी इसका डेटा क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ कि इसमें कितना अमाउंट किसका है। क्या इंस्टीट्यूट हमें डबल एंट्री में परेशान करने के लिए फिगरों को उलझा रहा है, कभी इधर लिखता है कभी उधर लिखता है? फटाफट से बताइए, क्या इंस्टीट्यूट आपको उलझा रहा है? क्योंकि आप इसे स्प्लिट नहीं कर सकते, तो क्या आप इसमें अजम्पशन लगा दोगे सारी कैश की है सारी क्रेडिट की है? ये आप अजम्पशन लगा नहीं सकते। ये अजम्पशन क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि उसने आपको डाटा दोनों का दे रखा है। जलगांव सेल दे रखी है, ये देखो ये लिखी हुई है सेल, टोटल सेल्स, ये लिखा है टोटल सेल्स। क्या हम इंतजार कर सकते हैं? वेट, हो सकता है डाटा मुझे मिल जाए, किसी लेजर का बैलेंसिंग फिगर मिल जाए, क्योंकि मैं इसे अलग नहीं कर पा रहा, पर मुझे इतना इशारा लग रहा है कि क्वेश्चन में उसने आपको लिखा है टोटल रिसीट्स है, तो इसका मतलब सेल पक्की बात है। अगर हमारे पास आ रही है डेटर के अंदर, तो कुछ ना कुछ डेटर से हमारे पास पैसे सेल आ रही होगी, कुछ कैश में आ रही होगी, पर डाटा है नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा लेट अस वेट, डोंट वरी, चलो आगे कि नहीं चलो? आप मेरे साथ साथ हैं तभी आगे चलूंगा। तो क्या इसके लिए वेट करने को बोला है? इसकी दूसरी एंट्री पेंडिंग है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब मुझे बताओ किन से डिस्काउंट रिसीव करते हो? डिस्काउंट रिसीव करते हो क्रेडिटर से, यहां से टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आ गया आपके पास इधर। डिस्काउंट 1500। मैं हर एक आइटम लिखने के बाद इंतजार कर रहा हूं, हर एक आइटम लिखने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूं। आप भी जब यहां पहुंच जाए तो मुझे जरूर बताना। दादर, चित्तौड़गढ़, सूरत, काशीपुर, आगे चलिए। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न,
फिर से परचेज रिटर्न, तो परचेज में क्या करेंगे? परचेज रिटर्न 1000 है ना, तो परचेज में से भी कम होगी और क्रेडिटर के अंदर यहां आ जाएगी टू परचेज रिटर्न। एक हजार, ये दोनों सवाल ना घर पे करने के लिए रिपीट दूंगा आपको मैं, कि आप घर पे इनको फिर अकेले करो, ठीक है? इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अच्छा ठीक है कैसे करते हैं। हम यहां तक पहुंच गए हैं, अगली आइटम पर आओ। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इनटू बैंक 15000, बैंक ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है टू कैपिटल, क्योंकि लिखा हुआ है बैंक में है तो बैंक में आ गई। तो कैपिटल के अंदर आप क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस प्लस इंट्रोड्यूस्ड 15000। अगली आइटम पर आओ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उसमें तो कुछ करना नहीं था। कैश परचेजेस 2000। अब मुझे ये बताओ, परचेज में मैंने यहां लिख दिया, चलो ऊपर क्रेडिट परचेज लिख देते हैं, तो कैश परचेज 2000, दो ही है ना, तो कैश परचेजेस बाय कैश परचेजेस 2000। कैश खत्म हो गया और हमारे पास ट्रेडिंग में आ गया। आप मुझे बताते जाएंगे दोस्त, तभी हम आगे चलेंगे। कैश परचेज हो चुकी है चित्तौड़गढ़। कैश परचेज मतलब बाजार से पैसे देके नगद माल लिया, तो पैसे दिए तो कैश गया और परचेज की तो परचेज ट्रेडिंग में आ गई। अगली आइटम है फिक्स्ड एसेट्स परचेज एंड पेड बाय चेक। हमने 1000 रुपए का फर्नीचर लिया है और पेमेंट बैंक से की है, तो बैंक में लिखो बाय फिक्स्ड एसेट्स एक हजार। चित्तौड़गढ़ काशीपुर, ड्रॉइंग्स बाय चेक, ड्रॉइंग्स बाय चेक ₹6500 माइनस ड्रॉइंग्स ₹6500। औरंगाबाद, ये सब वर्किंग नोट्स हैं, ये एग्जाम में आपको वर्किंग नोट बनाकर आने हैं, इसके नंबर मिलेंगे ये वर्किंग नोट्स के। ब्यावर, प्रीत विहार इन्होंने कर लिया है, बीकानेर ने कर लिया। आगे चलो फिर। अब डिपॉजिटेड इनटू बैंक, आपको पता बैंक में डिपॉजिट किया तो कॉन्ट्रा हो गया बाय बैंक, कैश कम हो गया क्योंकि आपने जमा कराया था ये पैसा, 10000 आपने जमा कराया तो ये 10000 बैंक में आ जाएगा टू कैश, कॉन्ट्रा हो गया। आपने बैंक में जमा कराया, कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया, कैश निकल गया और बैंक में आ गया। चले आगे, अगला है विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला 18500 तो कैश में आ गया 18500।
कोटा, हमने ये भी कर लिया 18,500, कैश इन हैंड तो पहले ही लिख चुके थे, पेड टू क्रेडिटर बाय चेक, बाय क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर में आ गया टू बैंक, क्रेडिटर में आ गया टू बैंक। यहां तक पहुंच जाएं तो मुझे बताना। एक्सपेंसेस पेड, बेटा एक्सपेंसेस पेड नहीं लिखा हुआ तो क्या मानना चाहिए? ज्यादातर एक्सपेंस किसमें पे होते हैं, चेक से के कैश? एक्सपेंसेस पेड ज्यादातर किसमें पे होते हैं? तो ज्यादातर एक्सपेंसेस पे होते हैं कैश से, तो 20,000 रुपए बाय एक्सपेंसेस। मुझे बताओ डू वी हैव एक्सपेंसेस अकाउंट? यस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में ही हम लोग अपने पास यहां लिखेंगे टू कैश 20,000। क्या मैंने सभी चीजों को लिख दिया है? अब मेरे पास जो बचा हुआ है, एक तो जिसके लिए मैंने वेट बोला था वो बचा हुआ है और बाकी पैकअप करना है। आइए हम इसको पैकअप करें। जब आप मुझे कहेंगे पैकअप करने के लिए, हम तभी पैकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हम पैकअप करने वाले हैं। अजमेर कहता है एक्सपेंसेस बैंक से क्यों नहीं किए? क्योंकि अजमेर ज्यादातर एक्सपेंसेस कैश से पे होते हैं। ठीक है अजमेर, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी तो बार बार एक्सपेंसेस को कैश से हटाने का प्रयास कर रहे हैं ना, क्योंकि ज्यादातर एक्सपेंसेस कैश में होते हैं। आइए हम पैकअप करना स्टार्ट करते हैं। इसको हम बाद में पैकअप करेंगे, कब? लास्ट में। इसको हम कब पैकअप करेंगे? बाद में पैकअप करेंगे। फिक्स्ड एसेट्स पर आ जाओ। मुझे बताओ फिक्स्ड एसेट्स के अंदर जो ये क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है वो क्या होना चाहिए? बेस्ट अजम्पशन बताओ ये क्या होगा, फिक्स्ड एसेट में क्या होगा? वेरी गुड, ब्यावर, बीकानेर, भिलाई, डेप्रिसिएशन होगी, क्योंकि आपके पास आम तौर पे डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन दूसरी बार पीएनएल में भी आएगी। पहला खाता खत्म हो गया, चले आगे। कैश अकाउंट में बैलेंस बीडी मिसिंग है, कैश सेल भी मिसिंग है। ओ, क्या इस खाते में दो फिगर मिसिंग है? इसको पैकअप अभी कर सकते हो, क्योंकि कैश सेल आपके पास लिखी नहीं है। मैंने आई डोंट नो हाउ मच इज कैश सेल, दो चीजें मिसिंग है, क्या करना पड़ेगा? अभी नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि दो फिगर मिसिंग है। एक खाते में दो फिगर मिसिंग हो तो हम कैसे निकालें? बैंक में सब चीजें हैं सिवाय बैलेंस बीडी के, क्या बीडी ढूंढ सकते हो? ढूंढो। बैंक में सब चीजें हैं भाई, सीडी भी है, सारी पेमेंट भी लिखी हुई थी, रिसीट्स भी थी, तो हमारे पास यहां पर कितने रुपए का बैंक का बैलेंस ओपनिंग में होगा? ढूंढो और मुझे बताओ। तो ये आ गया 176,000। एक बच्चे ने बोला है 176 तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता ये, क्योंकि आपके पास टोटल बैंक यहां दिया हुआ है, टोटल बैंक 14,000 है, बीकानेर कह रहा 9,500 है, तो पहले इतना ज्यादा कैसे आ रहा था? 9,500, दिस इज 9,500। प्रीत यार मुझे बच्चे 9,500 बता रहे हैं ज्यादातर, चेक कर लो, नजदीक करके दिखा दो। टोटल लगा लो भाई, मिलान करके देख लो कितना आता है। 9,500। अच्छा एक बात बताओ, ये 9,500 दूसरी बार कहां आएगा? यहां पर आएगा,
भाई ये 9,500 दूसरी बार कहां पर आएगा? इधर आएगा। अब एक बात बताइए, क्या आपको ये टोटल पता है तो ये कैश बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल सकते? 14 ये है, 9,500 ये है, तो कैश नहीं निकाल सकते क्या? क्या कैश नहीं ढूंढ सकते? वेरी गुड, कैश हो गया 4,500, कैश हो गया 4,500। जब कैश हो गया 4,500 तो क्या इसको मैं यहां लिख सकता हूं 4,500 को? देखो रास्ता, देखो कहां से कहां जा रहा है। ये फिगर ये निकलकर आई तो इसका फिगर पता चल गई, ये पता चली तो ये पता चल गई। क्या कैश सेल ढूंढ सकते हो? कैश सेल आप ढूंढ सकते हो जब आपके पास पहले आप इसका बैलेंस क्यों नहीं कर पा रहे थे? दो मिसिंग फिगर थी, इसके खुलते ही दरवाजा ये आ गया, अब आप इसको भी ढूंढ सकते हो। ढूंढो व्हाट इज योर कैश सेल्स, फाइंड आउट योर कैश सेल्स। मजे की बात है, बच्चे कह रहे हैं ये भी 6,500 है। ओके, दिस इज 6,500। अब एक बात बताओ, तुमने सेल्स में ऑलरेडी रोका हुआ था, जब तुम्हें पता चल गया कि ये 6,500 है तो क्या तुम क्रेडिट सेल बता सकते हो कि तुम्हारी क्रेडिट सेल कितनी है? जब तुम्हारे को टोटल सेल पता है 1.5 लाख है, इतनी तुम्हारी कैश सेल्स है, तो क्रेडिट सेल ढूंढो कितनी है तुम्हारी। वेरी गुड, वेरी गुड कोल्हापुर भेलाई। दिस इज इक्वल टू 143,500। वैसे मेरे अब यहां तक के खाते सारे बंद हो चुके हैं, ये खाता बंद हो चुका, ये खाता बंद हो चुका। डेटर अकाउंट पर आ जाओ, डेटर में एक फिगर मिसिंग है, बताओ वो कौन सी फिगर मिसिंग है? नाउ वी हैव मिसिंग डेटर्स, फटाफट से ढूंढ कर बताएंगे। 26,500 ओपनिंग बैलेंस, तो ये गया इधर, डेटर भी आ गए। क्रेडिट के अंदर आएगा हमारे पास परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, फाइंड आउट योर क्रेडिट परचेजेस। नहीं अजमेर सेल बैंक से नहीं होती बेटा, 1,17,500 ये हमारे पास परचेज आ गए इधर, 1,17,500 आउटर कॉलम में आ गई, 1,16,500 क्योंकि आपके पास परचेज लेस रिटर्न भी है। जलगांव आप जब कर ले तो मुझे बताएं, जलगांव मैं इंतजार कर रहा हूं। चित्तौड़गढ़, जलगांव, जम्मू, हां जी भिलाई। मुझे ये बताइए, इसी पे रखो, साइलेंट करो इसको, हैं? अच्छा ये हमने यहां तक कर लिया है, तो जलगांव क्या मैं आगे चल सकता हूं? फटाफट से बताइए। रुद्रपुर एक्सपेंस अकाउंट अभी बंद किया नहीं मैंने, मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी। एक्सपेंस अकाउंट में जो बचेगा वो गया पीएनएल में, फटाफट से बताओ एक्सपेंसेस में कितना अमाउंट आ गया? फाइंड आउट योर अमाउंट। काशीपुर, बीकानेर, हाँ चलो कोई बात नहीं चलने दो, नहीं 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 इसी पे चलेगा। 19,500 एक्सपेंसेस,
19,500। अब आपका लास्ट आ गया है ओपनिंग बैलेंस शीट। अब आप अपने पास ओपनिंग बैलेंस शीट ढूंढ सकते हैं, आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है। यहां तक हो गया, जीपी निकालिए, जीपी लिखने के बाद नेट प्रॉफिट निकालिए, नेट प्रॉफिट के बाद कैपिटल को ढूंढो, बैलेंस शीट का टोटल लगाओ, सब काम खत्म। तो पहले जीपी ढूंढेंगे, जीपी कितना आता है, 147,000 प्लस 22,500 माइनस 16,000 माइनस 118,500 35,000 जीपी माइनस 3,000 माइनस 19,500 14,000 प्लस 15,000 माइनस 6,500 प्लस 14,000 71,000 प्लस 25,500 96,500 माइनस 22,000 माइनस 22,500 माइनस 16,000 माइनस 36,000 बराबर है 15,000। उसको जोड़ सकते थे, मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने अलग अलग लिख दिया, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने उसको अलग कर दिया, ठीक है। ऊपर क्रेडिट परचेज कर दी, नीचे कैश परचेज कर दी।